प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में गो सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है, जिसमें सर्वप्रथम दोपहर 4 बजे से लेकर साई 6 बजे तक सामूहिक सुंदरकांड के पाठ किए गए, जिसके पश्चात साई 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक श्री हरि नाम संकीर्तन एवं संत समाज द्वारा सत्संग किया गया। इस दौरान स्वामी कृष्णानंद जी ने विशेष रूप से उपस्थित होकर अपने प्रवचनों के माध्यम से उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन भी किया। इस मौके पर असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन प्रभजोत सिंह की रिपोर्ट। मंदिर के सेवक जन हैं व मंदिर से जुड़े हुए जितने भी माँ के लाडले बच्चे सबके लिए बहुत बहुत शुभ मंगल कामना करता हूँ और माँ के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे मनोरथों को पूर्ण करें। सर्वदेवमयी गौ माता की सेवा इच्छा हो, गो हत्या का कलंक इस भारत की भूमि से मिटे, देश व विश्वों का मंगल हो, आश्री तांत्रिक शक्तियों का नाश हो, हमारा भारत देश अखंड हो, आपसी प्रेम सद्भाव हो, जन जन के हृदय में भगवत प्रीति हो, माँ के चरणों में यही प्रार्थना करते हुए आइए। श्री गोस्वामी जी के पवन जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। सीताराम हनुमान, सीताराम सीताराम हनुमान।